देश विदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं दुबे और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर अल्मोड़ा से है। सरकार द्वारा गैरसैंण मंडल बनाकर अल्मोड़ा जिले को इस नए मंडल में शामिल करने का अल्मोड़ा में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अल्मोड़ा जिले को नए मंडल में शामिल कर इसकी पहचान खत्म करने का सरकार पर आरोप लगाते हुए इस मामले में आज जहां युवा जन संघर्ष के बैनर तले दर्जनों युवाओं ने चौघान पाटा में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका, वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में मुख्यमंत्री की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वैभव पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार जिस तरह से युवा व आमजन विरोधी फैसले ले रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को समझाना आम आदमी के बस की बात नहीं है, इसलिए आज यूथ कांग्रेस को हवन यज्ञ का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में दानवों की बुद्धि शुद्धि के लिए भी यज्ञ का सहारा लिया जाता था, इसको मद्देनजर रखते हुए आज ये यज्ञ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अल्मोड़ा से रक्षिता बोरा की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस द्वारा स्थानीय चौहान पाटा में मुख्यमंत्री जी को प्रभु सद्बुद्धि प्रदान करें, इसके लिए हम सभी युवा साथियों ने यहाँ पर एक हवन कार्यक्रम करा है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री हम सबके हैं, अब जैसे भी हैं जो भी है, हमको उनको साथ लेके चलना है। उनको सद्बुद्धि मिले, हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अनगलन बयानबाजी कर रहे हैं जो चीज़ होनी नहीं है। आप बात करते हैं स्थायी राजनीति की, आप उसको कमिश्नरी बना देते हैं, आप अल्मोड़े की जो इतनी पुरानी संस्कृति है उसको भुलाकर अल्मोड़े को गैरसैंण में जोड़ देते हैं। तो ये अलग, और प्राधिकरण पहले कहते हैं कि स्थगित किया जाएगा, लेकिन दूसरे दिन हम देखते हैं प्राधिकरण वैसे का वैसा ही है। तो ये जो अनर्गण बयानबाजी कर रहे हैं, उनको सीएम साहब की सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक यज्ञ रखा गया है। पूरा नाम मंदबुद्धि वाले हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जो कुछ दिन पहले एक निर्णय लिया गया, तीसरा एक कमिश्नरी बनाई गई जो कि गैरसैंण के नाम से जानी जा रही है अब, वह एक बहुत गंदा निर्णय जिसके लिए कहा जाएगा, जो हमारे कुमाऊँ के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। क्योंकि इन्होंने कुमाऊँ और गढ़वाल में एक ऐसी रेखा पैदा कर दी है, और हमारा जो अल्मोड़ा है पौराणिक एक राजधानी के नाम पर जानी जाती है, उसको इन्होंने तितर बितर कर दिया है। और हम चाहते हैं, हम कुमाऊनी हैं और हमें कुमाऊँ में गर्व है, और चाहते हैं कि हम कुमाऊँ के लिए जिए और मने, और हम और हमारा गढ़वाल भी हमारा एक भाई की तरह है। और ये एक गंदी राजनीति के तहत, एक साजिश के तहत इन लोगों ने एक रेखा खींचने का काम किया है, जो कि हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और हम अपने को अल्मोड़े में रहना चाहते हैं, और कुमाऊँ में रहना हमारा एक अधिकार है, और हम चाहेंगे हमारे अधिकारों का हनन ना करा जाए। मुख्यमंत्री जी, हम आपको अभी चेतावनी दे रहे हैं, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की होगी। और हम आपको फिर से चेता रहे हैं कि हमें उग्र होने में विवश ना करें। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर।